ये वीडियो निक्षय में रोगी प्रबंधन जीवन काल में ट्रीटमेंट की शुरुआत को कवर करता है। ट्रीटमेंट की शुरुआत निक्षय में रोगी प्रबंधन जीवन काल का तीसरा चरण है। एनरोलमेंट के बाद और टेस्ट डिटेल्स दर्ज करें। टेस्ट डिटेल्स वाले भाग में डायग्नोसिस की तिथि और डायग्नोसिस का आधार डायग्नोसिस टेस्ट डिटेल्स के आधार पर पॉपुलेट हो जाता है। एक बार ट्रीटमेंट डिटेल्स अपडेट हो जाने के बाद पालन कैलेंडर को देखने और अपडेट करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। DSTB और DRTB रोगियों के लिए स्टार्ट ट्रीटमेंट स्क्रीन आम है। रोगी के आहार की डिटेल्स को प्रिस्क्रिप्शन वाले भाग से अपडेट किया जाना चाहिए। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर क्लिक करें। ट्रीटमेंट की डिटेल्स की जांच करने के लिए उप टैब में ट्रीटमेंट डिटेल्स पर क्लिक करें। सफेद बॉक्स में दिया गया ट्रीटमेंट शुरू करना ये बताता है कि रोगी ने अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है। यदि टेस्ट दिखाया जाता है लेकिन ट्रीटमेंट की डिटेल्स नहीं है तो स्थिति डायग्नोसिस लेकिन उपचार पेंडिंग दर्ज किया हुआ के रूप में दिखाई देती है। अगली प्रक्रिया में जाने के लिए स्टार्ट ट्रीटमेंट बटन पर क्लिक करें। रोगी के प्रकार का चयन करने के लिए केस के प्रकार फील्ड टैब पर क्लिक करें। दी गई लिस्ट में से यदि रोगी नया है तो नया चुनें या एनरोलमेंट किए जा रहे रोगी के प्रकार के आधार पर किसी दी गई डिटेल्स का चयन करें। इस पेज पर डायग्नोसिस के क्षेत्र में आवश्यक सभी डिटेल्स चुनें और दर्ज करें। उसी तरह निगरानी का पालन के क्षेत्र में आवश्यक सभी डिटेल्स का चयन करें। सभी आवश्यक क्षेत्रों का चयन करने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करें बटन पर क्लिक करें। ट्रीटमेंट डिटेल्स देखने के लिए उप टैब पर दिए गए ट्रीटमेंट डिटेल्स पर क्लिक करें। हरे बॉक्स में दिया गया ट्रीटमेंट शुरू करें ये बताता है कि ट्रीटमेंट डिटेल्स को अपडेट कर दिया गया है। DRTB रोगी की ट्रीटमेंट डिटेल्स दर्ज करने के लिए एडिट डिटेल्स पर क्लिक करें। फिर उसके बाद टाइप ऑफ केस में दिए गए फील्ड्स टैब पर क्लिक करके PMDT को सिलेक्ट करें। आहार डिटेल्स दर्ज करने के लिए PMDT आहार की फील्ड टैब पर क्लिक करें और चुनें। आगे बढ़ने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार ये निक्षय में रोगी प्रबंधन जीवन काल में ट्रीटमेंट शुरू करने की प्रक्रिया को पूरा करता है।